ये देखिए दोस्तों, कई प्रिंटिंग मशीन इस तरीके से बन करके आपकी तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये, यहाँ पर आपको कैप रखना है और इस तरीके से प्रेस कर देना है। ये देखिए, यहाँ पर आपका ये टेम्परेचर वाली आपकी ये जो है पाइप यहाँ पर सेट हो चुकी है। इस तरीके से हम लोग इस तरीके से। नमस्कार दोस्तों, आलोक सब्लिमेशन टेक में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि 5-in-1 हीट प्रेस मशीन को आप लोग कैप प्रिंटिंग मशीन कैसे बनाएंगे और कैसे इंस्टॉल करके कैप आप प्रिंटिंग कर सकते हैं इस मशीन में। तो चलिए, आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि आप लोग इस मशीन के अंदर कैप प्रिंटिंग मशीन आप 5-in-1 को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट इस मशीन को असेंबल करते हैं कि किस तरीके से जो है आप लोग इसको कैप प्रिंटिंग मशीन बनाएंगे। आपके सामने ये दिखाई दे रही होगी, ये 5-in-1 हीट प्रेस मशीन है। ये देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है यहाँ पर देखिए, ये जो हीटर लगा हुआ है इसको हम लोग पहले डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर ये देखिए, यहाँ पर दो स्क्रू लगे हुए हैं। ये देखिए, एक इस साइड में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए, और ये दूसरा आप देख सकते हैं एक यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये दोनों स्क्रू को हम लोग पहले स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम लोग इसको पहले ओपन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, इसको पहले नीचे कर लेंगे इस तरीके से, और इसके बाद इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम लोग इस दोनों नट को हम लोग पहले ओपन कर लेंगे। केवल दो ही स्क्रू यहाँ पर लगे रहते हैं इसको अटैच करने के लिए। तो हम लोग इसकी सहायता से, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम लोग इसको पहले खोल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से दोनों स्क्रू जो है हम लोग निकाल लेंगे। ये देखिए, और ये हमारा जो अटैचमेंट है ये इस तरीके से अलग हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग इसको अलग से रख लेंगे। ये देखिए, इसको अलग बाहर रख देंगे। फिर इसको बाद हम लोग इसको हटा लेंगे। ये देखिए, इसको हटाने के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसके नीचे जो है, ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका चार स्क्रू लगे रहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, ये चार स्क्रू यहाँ पर लगे हुए हैं। हम लोग इसको भी ओपन कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से अगर इधर से नहीं ओपन हो रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जिसको आप लोग हाथ की सहायता से आप लोग इसको खोल सकते हैं। यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर का काम नहीं है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आप लोग इसको ओपन कर लेंगे। चारों स्क्रू यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दो बैक साइड में और दो ये आपको फ्रंट में दिख रहा होगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप लोग पीछे से स्क्रू ड्राइवर आपका ये काम नहीं कर रहा है या इस तरीके से नहीं ओपन हो रहा है, तो यहाँ से भी आप लोग इसको ऊपर से ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये चारों स्क्रू हम लोगों का निकल गया है। और अब हम लोग इसको पल्ले को यहाँ से उठा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ही हम लोगों का जो है, ये देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर दो स्क्रू ड्राइवर आप लोगों को दिखाई पड़ रहे होंगे, जो कि कैप प्रिंटिंग के लिए उसका हेड जो है कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने है। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग ये जो नट यहाँ पर निकले हुए हैं इसको, इसकी सहायता से हम लोग इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे। ये देखिए,
यही नट आपको जो है उसमें भी काम करता है, यही इसमें भी आप लोगों का काम करेगा। तो और नट खोजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि और नट इसमें एक साथ नहीं आता है। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से इसको निकाल करके इसको मशीन असेंबल कर सकते हैं कैप प्रिंटिंग वाली 5-in-1 के अंदर। इसको बढ़िया से हाथ से इसको टाइट कर देंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये आपका मशीन टाइट हो चुका है, ये नीचे का। अब हम लोग इसी तरीके से इसके ऊपर वाला जो हुड है इसको भी हम लोग लगा के सेट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये रहता है। और ये जो हीटर वाला प्लग है हम लोग इसको पीछे की तरफ रखेंगे और इसको इस तरीके से लगा करके हम लोग सेट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये दो स्क्रू ड्राइवर यहाँ पर इसको दिया हुआ है, हम लोग इसको खोल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए और इस तरीके से हम लोग इसको सेट कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको बढ़िया से टाइट कर लेना है दोनों तरफ। इसको बढ़िया से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको बढ़िया से टाइट कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये दोनों टाइट हो जाते हैं। और ये देखिए जो हीटर वाला है इसको हम लोग इसमें सेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये टाइट हो गया। अब ये देखिए ये बराबर से आपका इस तरीके से ही प्रेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका प्रिंटिंग मशीन इस तरीके से बन करके आपकी तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर आपको कैप रखना है और इस तरीके से प्रेस कर देना है। ये देखिए यहाँ पर आपका ये टेम्परेचर वाली आपकी ये जो है पाइप यहाँ पर सेट हो चुकी है। इस तरीके से हम लोग इस मशीन को कंप्लीट कर लेते हैं।